विदिशा संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सुषमा जी ने एक हाल में रायसेन में एक कार्यकर्ता बैठक में जो संबोधन दिया उसमें खुलकर ये कहा गया कि वोट दिलाओ कैसे भी दिलाओ। अब वो क्या क्या उन्होंने कहा है हम आपको, हमारे पास सीडी है, हम आपको दिखाएंगे, चुनाव आयोग को भी हमने ये दिया है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हमने ये पत्र भी दिया है, मेरे हस्ताक्षर इसमें हैं जिसकी कॉपी हम आप सबको देंगे। केवल उन्होंने नहीं, जो एक मंत्री हैं राज्य सरकार के उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है और उन्होंने तो और बढ़ चढ़ के कहा है कैसे भी दिला सकते हो, गाड़ी से लाओ, ट्रैक्टर में लाओ, पैदल लाओ, गोदी में उठा के लाओ, यहां तक बात कही गई है कि वोट दिलाओ। ये खुला उल्लंघन है आचार संहिता का, जिसकी शिकायत हमने दर्ज कर दी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह की बातों से प्रजातंत्र तो कमजोर होता ही है, लेकिन एक बड़ी खतरनाक पद्धति की शुरुआत होती है कि चुनने के बाद 5 साल अपने निर्वाचन क्षेत्र में मत जाओ, जो कि वो नहीं गई। ये शिकायत सारे मतदाताओं को है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और फिर शासकीय तंत्र का अपने कार्यकर्ताओं को उकसा के एन केन प्रक्रेन वोट हासिल करो। अगर इस तरह की चुनाव शैली रही और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मैं समझता हूँ ये एक प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा। और आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे कि अभी तो ये चुनाव की शुरुआत है, अभी तो नामांकन ही नहीं भरा है, अब नामांकन हम लोग कर भरने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दिग्विजय सिंह जी रहेंगे, पचौरी जी रहेंगे, शोभा ओझा जी रहेंगे और हमारे अरुण यादव भैया भी आ रहे हैं और हमारे असंख्य कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। हम लोग सब वहाँ एक आम सभा करेंगे रायसेन में और नामांकन भरेंगे और आगे पूरा चुनाव पड़ा है। तो आप सबसे हमारी ये अपेक्षा है कि ये चुनाव निष्पक्षता से लड़ा जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, कोई किसी तरह का दबाव मतदाता पर न हो, अधिकारी कर्मचारियों पर न हो, इसका इस बात को सुनिश्चित आप लोग करें, यही हमारी आपसे विनती है। दूसरे बूथ पर भी जा सकते हैं। ये जरा लाइटें बंद कर देना सामने की, एक मिनट। आपने अभी सुना, स्वयं सुना, इससे साफ सिद्ध होता है कि प्रशासन पर जबरदस्त दबाव होगा,
चार जिले लगते हैं विदिशा लोकसभा में, चारों जिले के प्रशासन पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा, जिससे कि फर्जी मतदान कराया जा सके और प्रजातंत्र का गला घोटा जा सके, ये इस पे स्पष्ट होता है।